भाई हमको भी अब ड्राम मिल गया, अब हम भी एक दिन में हीरोइक पहुंचेंगे भाई, एक दिन में हीरोइक पहुंचेंगे और हम भी प्रो बन जाएंगे भाई। अरे तुम तो पहुंच जाएगा, हमको भी पहुंचना, हमको भी ड्राम दे। अरे यहाँ पे एक ड्राम है भाई, अरे इसका तो लाइट कुछ ज्यादा है, बंदा लोग ऐसे ही देख लेगा, काला कर इसको। शायद फोड़ना पड़ेगा। तो फोड़, मेरे पास एमओ नहीं है। अरे भाई तो हम ही फोड़े क्या? तो हम फोड़े का, जल्दी कुछ करो, हमको भी पहनना है ये। तो ठीक है, तो हम फोड़ते हैं भाई, हटो। जल्दी कर, बंदा आ जाएगा। जय माता दी। अरे हम लोग मारे कैसे? अबे कैसे मार गए भाई? अबे ये लोग कैंपिंग करके मारे। प्यार में लड़की धोखा देगी, दोस्ती में दोस्त धोखा देगा, लेकिन जब फ्री फायर आपका दोस्त बनेगा ना, तो आप इन सब धोखों को भूल जाओगे और वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लैश स्क्वाड पे जाकर एलिमिनेट होकर लाइक बनाते हैं। सही है, ये लोग प्रो तो नहीं बन सके, इसीलिए लाइक बना के भी खुद को प्रो समझ रहे हैं। ओ बुरा लगा। भाई मेरे को इस गेम ने एक बात तो सिखा दी, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। भाई तेरे को एक बात बोलता हूँ, तू बहुत दूर जाएगा। भाई आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो भाई तो बहुत दूर जा पाऊंगा ना। भाई आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, कभी भी किसी नोप का दिल मत दुखाना। हाँ भाई, आज से हम लोग सबके साथ खेलेंगे, भाई माफ कर देना। भाई माफी की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों की वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ। पंकज हम लोगों के साथ खेलेगा ना तू? हाँ भाई चलो एक साथ मिलकर खेलते हैं। किसी के पीछे पड़े रहने से अच्छा तुम फ्री फायर खेल लो, अगर तुम अच्छा निकले तुम्हें इज्जत और लड़की दोनों फ्री में मिल जाएगी। तुम हमें क्या बुरा बनाओगे, हम पहले ही बदनाम है। तेरे दिमाग में जो 24 घंटे घूमता है वो हमारा इनाम है, और तू छोड़ गई तो क्या तेरे लिए रोएंगे? ना बेटा हमें बहुत काम है। अरे रोना छोड़, तू हर रोज याद करेगी, अभी तो हुई एक शाम है। पहले था तो कोई कदर नहीं थी, अब दूर हुआ तो मेरी यादों का तेरे दिमाग में लगा जाम है। और सुन, बेवफाई करने का ना यही एक इनाम है। गाइस अभी क्या होता है, 20-25 लेवल के बंदे लोग आके बोलते हैं भाई तेरा स्क्वाड वर्सेस मेरा स्क्वाड कस्टम होगा क्या? अरे भाई हम लोग का स्क्वाड इतना सस्ता थोड़ी ना है, जिस किसी के साथ कस्टम खेल ले कुछ भी। ओ मैं तो भूल ही गया, इधर तो निब्बा निब्बी का खेल हो रहा। हम सिंगल लड़कों का एक ही तो सहारा है, हमें मोहब्बत से नफरत नहीं है, लेकिन हमें फ्री फायर ही प्यारा है। अबे इस नोब को क्यों बुलाया? अरे गलती से बुला लिया, चल बाहर निकल इसको। हाँ निकालता हूँ। भाई भाई प्लीज मेरे साथ एक मैच खेल लो ना, प्लीज भाई प्लीज। नहीं तू नोब प्लेयर है, तेरे साथ नहीं खेलूंगा भाई, तो बंदा नहीं मार पाएगा। भाई नोब हुआ तो क्या हुआ भाई, आप लोगों के साथ खेल गए तो खेल सीखूंगा ना। हट तू नोब है, तू कभी भी खेल नहीं सीखेगा। अच्छा भाई मेरे एक बात सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा आप लोग मेरे को खुद बुलाओगे। भाई आप लोग खेलो, मैं जा रहा हूँ, बाय। कि हम फ्री फायर वाले बंदे हैं ना, पबजी का हमें शौक है। बेटा अगर तुम्हारे पास आरपी है ना, तो हमारे पास आलोक है। ना इलाज है ना दवाई है, फ्री फायर तूने लोगों को अपनी ऐसी लत लगाई है। गली में तो कुत्ता भी शेर है, ये ना सोच तुझे छोड़ देंगे, हमारे साथ बदतमीजी करी तो तेरा बायोडाटा खोल देंगे। और सुना है आजकल ज्यादा हवा में उड़ते हो, बेटा हमें अकड़ मत दिखाना, नहीं तो हड्डियां और अकड़ दोनों तोड़ देंगे। अरुई क्या पैसा देना? क्यों? नया इलीट पास आया खरीदना है। बस हम लोग मरा जाना यार, पूरा प्रोब्लेम है। अरे यार हमको तुम चैलेंज कर रहा, देखो ना सबको हम ऐसी चितड़ी उड़ा देंगे। अरे मत जा यार। म्यूजिक बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बहुत बढ़िया, नहीं नहीं जाओ तुम जाओ, मरो हम लोग नहीं कोई बचाने। फ्री फायर की हर गलियों में मेरी स्क्वाड का नाम आता है, जब मैं वहां पहुंचता हूं ना सिर्फ एक ही आवाज आती है। तंतर मंतर सैतानी खोपड़ा भूत प्रेत की माँ का भोसला आम भर। बाबा बाबा एक बात थी। बातें सारी भूल जा, मेरा पकड़ और झूल जा। यही सब हमारी, आज तो तुम गया बेटा। चल मार। अरे भाई तुमको जोरू का गुलाम बोलना है तो बोल लेना, पर मैं तो उसको सर पे बैठा के रखूंगा जो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आएगी।
ना सच्चा प्यार है ना BMW कार है, कि ना सच्चा प्यार है ना BMW कार है, फिर भी जिंदगी में खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ खड़े मेरे करोड़ों के यार हैं। उड़े परिंदे यार है मेरे जिगरी यार। मशहूर होने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग नाम से ही पहचान लेते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए छोटी छोटी बातों पे बार बार लड़ेगी, और जिस दिन कामयाब हो गए ना, मिलने के लिए भी आधार कार्ड लेके कतार में खड़ेगी। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया। दम कपड़ों में नहीं जिगर में रखो, बात कपड़ों की होती तो सफेद रंग में लिपटा मुर्दा भी सुल्तान मिर्जा होता। हमारे पास मत आना मोहतरमा, मैं कर लेता हूँ हैक, हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है जो कर लेते हैं स्टेप बैक, और ये जो हमें नजर लगाने का काम कर रहे हैं ना, इन्होंने शायद सुना ही नहीं है। मेरी एक्स मेरी दुनिया थी, और आपको तो पता है दुनिया माधव चोत थी, माधव चोत है, माधव चोत रहेगी। मादर चोद दुनिया नहीं, दुनिया के लोग हैं साले। अरे हमारे अंदर तो अकड़ का भरा हुआ है ट्रक, मैं मेहनत पे विश्वास रखता हूँ, मेरे लिए मैटर नहीं करता लक, और ये जो हमें हेट करते हैं ना, इनको एक ही बात बोलूंगा भाइयों, हेट करी जाओ, आई डोंट गिव अप। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ। हजारों से बातें नहीं करनी, हजारों बातें करनी है किसी एक से। ओ तेरे संग यारा। अरे तुम जीत की आस में बैठे हो, मैं भी कोई हारने के लिए नहीं आया, तुम कंपटीशन क्या करोगे, तुम जैसों को हमने सिखाया, और बेटा चक्कर आ जाएगा जब हमने अपने चक्कर में फंसाया। लड़की के लिए दोस्तों को छोड़ने वालों, बचपन का रिश्ता एक पल में तोड़ने वालों, तुमसे एक बात कहनी है, डूब मरो साले। भाई तू रो रहा है, किसने मारा है क्या, किसने मारा है मुझे उसका नाम बता, किसने मारा है मुझे एक बार उसका नाम बता। वक्त ने। तुझे पता है किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वरना तू जिसके ऊपर हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। सलाम बानी। आज वो दिन याद आ रहा है जब तुमने पहली बार बात, आज हम उस दिन मिले ही ना होते तो आज मैं रो नहीं रहा होता। अच्छे पो या जिंदगी, लोग हमेशा स्टेटस देखते हैं। औकात में कैसे रहते हैं अब बेटा तू सीख जाएगा, औकात में कैसे रहते हैं अब बेटा तू सीख जाएगा, और अब अगर मेरे एरिया में दिख जाएगा साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। अरे हम मर्जी के मालिक हैं, हमें मत कुछ कह, और जो कदमों में ना रखी हो ऐसी कौन सी यश है, कहते यहाँ तो जीत नहीं पाएगा भाइयों, जिस टीम से तू खेल रहा है ना उस टीम का कोच हूँ मैं। और तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मेरा पूरा चेहरा खराब है, एक बंदे नहीं बनती मेरे से, जिसके पास जा बोलते कुत्ते जैसी शक्ल है तेरी, भगा दे। तू चाहे सिंगल ला या पूरी स्क्वाड ला, बेटा सबको फाड़ दूंगा, और गलती से भी बोलना मत फ्री फायर को बुरा, वरना जहाँ हो वहीं गाड़ दूंगा। के चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, के चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, और लाइफ में दोस्त नहीं तो जीने में क्या। उसकी बातों में एक ऐसा जादू था कि मैं उसकी हर एक बात मानता ही चला गया। बेटा नो एक्स नो नेक्स्ट, खुद से ही प्यार करो, सिंगल इज द बेस्ट म्यूजिक। सिंगल पसंद है। अरे आटा मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे, अरे अपने जिगर पे बनाऊ मैं, किसी मिनिस्टर नहीं बनाया मेरे को। जब भी स्कूल और कॉलेज वाले बोलते हैं ना कि तुम्हारी पढ़ाई अब ऑनलाइन होगी, तो सबके दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह मस्त जोक मरन। ये जो 24 घंटे साथ लेकर घूमते हो, घमंड तोड़ देंगे तेरा, और मेरे साथ जो रहते हैं इनको हाथ लगाने की मत सोचना, क्योंकि ये दोस्त नहीं बेटा है मेरा। मैं चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, कि तू अभी अभी बिगड़ा है मैं बचपन से खराब हूँ, कि तू अभी अभी बिगड़ा है मैं बचपन से खराब हूँ, और जिसके दम पे तू चलता है ना मैं उसका भी बाप हूँ। मेरा ये हम खुद की सुनते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई एडवाइजर, हमें आपका लेवल पता है, ऐसे मत बनो वाइजर। कहती यार तुम इतनी अकड़ दिखाते हो, तुम्हारे पास रहता कौन है, मैंने कहा सैनिटाइजर। ये बाबूराव का स्टाइल है। मोहतरमा आप दिल तोड़ने का नया तरीका लेके आई है, और तेरी सहेलियों ने भी हम पे ट्यूशन रखवाई है,
हमें जाल में फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तो स्कूल में असाइनमेंट भी तेरे जैसी से बनवाई है। बजा दे कुछ। उसकी बातों में एक ऐसा जादू था कि मैं उसकी हर एक बात मानता ही चला गया। बेटा नो एक्स नो नेक्स, खुद से ही प्यार करो, सिंगल इज द बेस्ट। म्यूजिक सिंगल पसंद है। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई में। अरे अपने जीगर पे बनाऊ मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। जब भी स्कूल और कॉलेज वाले बोलते हैं ना कि तुम्हारी पढ़ाई अब ऑनलाइन होगी, तो सबके दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह मस्त जोक मरन। ये जो 24 घंटे साथ लेकर घूमते हो, घमंड तोड़ देंगे तेरा। और मेरे साथ जो रहते हैं इनको हाथ लगाने की मत सोचना, क्योंकि ये दोस्त नहीं बेटा है मेरा। चुराई मेरी किसने सनम तूने, कि तू अभी अभी बिगड़ा है मैं बचपन से खराब हूँ, कि तू अभी अभी बिगड़ा है मैं बचपन से खराब हूँ, और जिसके दम पे तू चलता है ना मैं उसका भी बाप हूँ। मेरा ये हम खुद की सुनते हैं, हमें नहीं चाहिए कोई एडवाइजर, हमें आपका लेवल पता है, ऐसे मत बनो वाइजर। कहती यार तुम इतनी अकड़ दिखाते हो, तुम्हारे पास रहता कौन है? मैंने कहा सैनिटाइजर। ये बाबूराव का स्टाइल है। मोहतरमा आप दिल तोड़ने का नया तरीका लेके आई हैं, और तेरी सहेलियों ने भी हम पे ट्यूशन रखवाई हैं। हमें जाल में फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तो स्कूल में असाइनमेंट भी तेरे जैसी से बनवाई है। बजा दे कुछ। हमें तुम्हारे भालो बासी। तुमने बबीता को क्या बोला? हमें तुम्हारे भालो बासी, इसका मतलब होता है आई लव यू। सॉरी इशारे तेरी कर। किसी ने कहा यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ खो जाएंगे। कमाल करते हो, ये कल के आए लौंडे अपने बाप को चलना सिखाएंगे। कुछ लोग कहने लगे हैं कि एटीट्यूड थोड़ा कम कर ऊपर जाएगा, मैं कहता हूँ तू थोड़ा ऊपर कर ले, लेवल पे आ जाएगा। तेरा बाप आया। मेरे जैसा नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ देखेगी, मुझे तो पसंद नहीं है, ये अपनी फुकरापंती कहाँ कहाँ फेंकेगी। और ये एटीट्यूड मुझे ना दिखा, मैंने दिखा दिया ना, मेरी डीपी भी अपनी सहेलियों के फोन में देखेगी।